नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है OnePlus 11R 5G और हम देखने वाले हैं इस फोन के कैमरा ऐप में मिलने वाले टॉप 10 हिडन फीचर्स जो काफी कम लोग जानते हैं लेकिन काफी यूजफुल है आपके फोन के लिए। तो अगर आपको बेहतर तरीके से अपने फोन से फोटोज कैप्चर करनी है तो आपको इन सभी सेटिंग्स के बारे में जानना काफी जरूरी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन सभी 10 हिडन फीचर्स को वन बाय वन। जैसे कि आपको पता होगा इस फोन में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, लेकिन आप जो भी फोटो कैप्चर करते हो आपके फोन से वो कैप्चर होती है 12 मेगापिक्सल में। तो अगर आपको 50 एमपी की फोटो क्लिक करनी है तो आपको इस पेज पे स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होगा हाईरेस का। इसमें आपको मिलेंगे दो बटन्स, पहला है 12 एमपी का और दूसरा है 50 एमपी का। तो अगर आपको 50 एमपी की फोटो क्लिक करनी है तो इस पे टैप कीजिए। अब आप जो भी फोटो कैप्चर करोगे वो कैप्चर होगी 50 एमपी में और यहाँ पे लिखा भी है हाईरेस 50 एमपी। इस तरीके से आप अपने फोन से 50 मेगापिक्सल की फोटो क्लिक कर पाओगे। फोटो मोड में आपने गौर किया होगा, जब भी आप टैप करते हो आपको इस तरीके से ये शो होता है आइकन, इसका मतलब होता है फोकस और ये है एक्सपोजर। तो आप यहाँ से इस तरीके से एक्सपोजर को चेंज कर पाओगे। हालांकि आप जहाँ पे फोकस को सेट करते हो वहीं पे एक्सपोजर भी मूव होता है, मतलब कि दोनों साथ में होते हैं, दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो फोकस कहीं और रहे और एक्सपोजर कहीं और रहे तो आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है मोर में, प्रो मोड में, यहाँ पे टैप कीजिए, फिर आपको इस सर्कल को बाहर लाना। इस तरीके से आप देखोगे फोकस अलग आ चुका है और मीटरिंग मतलब कि एक्सपोजर अलग आ चुका है। इस तरीके से आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो, बस आपको टैप करना है, इस सर्कल को बाहर लाना है। इस तरीके से इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल व्यू वीडियो का सपोर्ट, मतलब कि आप अपने फोन में बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा दोनों को एक साथ यूज करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है मोर में, ये रहा ड्यूल व्यू वीडियो, इस पर टैप कीजिए। तो आप देख पा रहे हो ये है फ्रंट कैमरा और ये बैक कैमरा। हालांकि आप तीन तरीके से इसे चेंज कर पाओगे, आपको इस पर टैप करना है। आप देखोगे ये है स्प्लिट स्क्रीन, तो आप यहाँ पे फ्रंट कैमरा बैक कैमरा देख पा रहे हो। हालांकि आप इन्हें चेंज भी कर सकते हो, आपको डबल टैप करना है कैमरा को स्विच करने के लिए। तो अगर आप सेट करोगे राउंड में तो इस तरीके से आपको राउंड भी शो करेगा, आप इसे जहां पे चाहे वहां पे मूव कर सकते हो। कैमरा को रोटेट करने के लिए डबल टैप कीजिए, इस तरीके से कैमरा हो जाएगा रोटेट। और ये है लास्ट वाला ओब्लोंग, आपको मिलेगा यहाँ पे रेक्टेंगल में, और आप इसे भी इस तरीके से डबल टैप करके कैमरा स्विच कर सकते हो। इस फोन में आप बोके वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, मतलब कि बैकग्राउंड को ब्लर करके वीडियो को शूट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना है वीडियो मोड में और यहाँ पे होगा ब्लर का ऑप्शन, आपको इस पर टैप करना है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड को ब्लर करने का स्केल, आप जितनी वैल्यू कम रखोगे बैकग्राउंड उतना ज्यादा ब्लर होगा, और अगर आप इसे बढ़ाओगे मतलब कि बैकग्राउंड कम ब्लर होगा। इस फोन से आप बर्स्ट फोटो को भी कैप्चर कर सकते हो, मतलब कि कंटिन्यूस शॉट, तो आप क्विकली एक साथ 20 फोटोज को क्लिक कर पाओगे। तो इसे क्लिक करने के लिए आपको शटर पे लॉन्ग टैप करना है और यहाँ पे कैप्चर होंगी 20 फोटोज एक साथ। और अगर आप प्रीव्यू को ओपन करोगे तो यहाँ पे शो करेगी केवल एक ही फोटो, लेकिन आपको इस आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे आपके सभी 20 फोटोज को शो किया जाएगा। आपको जिसे रखना है उस पर टिक कीजिए इस तरीके से, और फिर आपको टिक पे टैप करना है, कीप पे टैप कीजिए, जो आपने किया था टिक वही फोटो शो होंगी, बाकी की हो जाएंगी डिलीट। अगर आपके फोन में ये फीचर काम नहीं कर रहा है तो आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा टच एंड होल्ड, इस पर टैप करके कीजिए टेक बर्स्ट फोटोज। आप जब भी अपने फोन से फोटो क्लिक करोगे तो उसका प्रीव्यू शो होता है लेफ्ट साइड में यहाँ पे। तो अगर आप इस पे स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करोगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस, इसे कहते हैं क्विक एडिट। तो आपको इस तरीके से स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करना है, ये है एडिट करने का ऑप्शन। तो आप फोटो को ओपन किए बिना डायरेक्ट वहीं से फोटो को एडिट कर सकते हो कैमरा ऐप में होते हुए ही, ये है मार्कअप के लिए ऑप्शन। इसके अलावा आप फोटो को यहीं से शेयर कर सकते हो फोटोज को ओपन किए बिना। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे नीचे होगा क्विक शेयर एंड एडिट, आपको इसे ऑन करना है। जैसे कि आपको पता होगा इस फोन के कैमरा ऐप में आपको मिलता है वाटरमार्क को ऐड करने का फीचर। तो अगर आप जाओगे सेटिंग्स में, सबसे पहला ऑप्शन है वाटरमार्क को ऑन करने का, तो आप यहाँ पे अपना नेम, इसके अलावा शॉट ऑन वन प्लस, इस तरीके से ब्रांडिंग को भी इनेबल कर सकते हो। इसके अलावा लोकेशन, डेट एंड टाइम को भी इनेबल कर सकते हो। अगर आप किसी को भी ऑफ करोगे तो डेटा आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो आप अपने हिसाब से जो डेटा शो करना चाहते हो वाटरमार्क में उसे ऑन कीजिए। हालांकि कई सारे लोगों को ये नहीं पता कि आप फोटो में तो वाटरमार्क ऐड कर ही सकते हो, लेकिन वीडियो में भी वाटरमार्क को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन फोटोज एंड वीडियोस, तो आपको इस पे करना है सिलेक्शन, मतलब कि फोटो में भी वाटरमार्क ऐड होगा और जो भी वीडियो में शूट करूंगा उसमें भी वाटरमार्क ऐड किया जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से, तो आप देखोगे ये है फोटो, इस तरीके से आपको वाटरमार्क शो किया जाएगा, लेकिन वीडियो में भी आपको मिलेगा वाटरमार्क इस तरीके से।
इसके अलावा अगर आपको किसी भी पेज को ट्रांसलेट करना हुआ तो आप काफी इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको फोटो मोड में यहाँ पे मिलेगा गूगल लेंस का बटन, आपको इस पे टैप करना है। मान लेते मुझे ट्रांसलेट करना है तो आपको स्वाइप करना है, जाना है ट्रांसलेट में, फिर आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसे करना है सिलेक्ट, इंग्लिश या हिंदी आपके हिसाब से। आप देखोगे ये जो टेक्स्ट है अब हो जाएगा ट्रांसलेट इंग्लिश में। इसके अलावा मान लेते हैं मुझे इस टेक्स्ट को कॉपी करना है तो आपको लेंस पे टैप करना है और टेक्स्ट पे टैप कीजिए, कैप्चर कीजिए फोटो, फिर आपको जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है उसे इस तरीके से लॉन्ग टैप करके ड्रैग कीजिए सिलेक्ट करने के लिए, फिर आप यहां से कॉपी कर सकते हो और फिर जहां पे चाहे वहां पे पेस्ट कर सकते हो। आपको अगर सेल्फी कैप्चर करनी हो तो आप अपने हथेली को ऐसे शो करोगे तो कैप्चर होगी आपकी सेल्फी। तो अगर आपको जल्दी से सेल्फी कैप्चर करना हुआ और आपको शटर पे टैप नहीं करना है तो आप बस अपनी हथेली को इस तरीके से शो कीजिए कैमरे के सामने और आपकी सेल्फी कैप्चर हो जाएगी। इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा शूटिंग मेथड, इस पर टैप कीजिए और आपको शो पाम को इनेबल करना है। मान लेते हैं आपका फोन लॉक है, मतलब कि आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ है, और ऐसे में अगर आपको क्विकली कैमरा को लॉन्च करना हुआ तो आप दो तरीके से कैमरा को लॉन्च कर पाओगे। आपको अपने फोन को अनलॉक नहीं करना है, इसके अलावा डिस्प्ले को भी ऑन नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको और ड्रॉ करना है, आपके फोन में लॉन्च होगा कैमरा। इसके अलावा अगर आपके फोन में डिस्प्ले ऑफ होता है तो आपको वॉल्यूम अप या डाउन दोनों में से किसी भी एक पे डबल प्रेस करना है, आपके फोन में लॉन्च होगा कैमरा। तो आप इन दो तरीके से अपने फोन में क्विकली कैमरा को लॉन्च कर पाओगे। इन दोनों मेथड को ऑन करने के लिए आपको जाना है कैमरा ऐप में, सेटिंग्स में, और यहाँ पे होगा क्विक लॉन्च, आपको इसे ऑन करना है। इसके अलावा आपको जाना है सेटिंग्स में, एडिशनल सेटिंग्स में, जेस्चर्स एंड मोशन में, और यहाँ पे स्नैप जेस्चर्स, इसे ओपन कीजिए, और ये है ड्रॉ एन ओ टू ओपन कैमरा, इसे ऑन कीजिए। दोस्तों तो ये थे टॉप 10 हिडन फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं OnePlus 11R 5G के कैमरा ऐप में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।